एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को आज पता है कि आज है 21 जनवरी और आज है न्यू मून। न्यू मून की एनर्जी आज मैं चेक करूँगी, देखते हैं कि आपके पर्सन के ऊपर इस न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। फिलहाल मूनोलॉजी से हम आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे मेजर अर्काना से आपके पर्सन की एनर्जी, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले इस न्यू मून के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगी। न्यू मून जो पड़ रहा है ये है अक्वेरियस राशि, मतलब कोई कुंभ राशि में ये न्यू मून पड़ रहा है। और कुंभ राशि क्या इंडिकेट करता है? सबसे पहले तो कुंभ राशि जो है वो शनि महाराज की है और शनि महाराज इस समय अपने ऑफिस में प्रवेश कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अपने घर से कैप्रिकॉन से अपने ऑफिस में आ चुके हैं। इंसान जब ऑफिस में आता है तो मैंने आपको बताया है कि वो बहुत प्रोफेशनली डील करता है। तो अक्वेरियस राशि जो राशि है इसमें एक तो शनि भी आए हुए हैं और इसमें न्यू मून का इफेक्ट भी आपको देखने मिलेगा। अक्वेरियस राशि आपको फियरलेस बनाती है, आपको आपके गोल ओरिएंटेड बनाती है, सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड बनाती है, अपनी जो भी आपकी कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलने की एनर्जी होती है अक्वेरियस में। तो यहाँ पर देखिए न्यू मून अक्वेरियस में है तो इस तरह की चीज़ें एनर्जी में आनी चाहिए और यही हम एक्सपेक्ट करके ये रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके पर्सन फियरलेस हों, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लें, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लें, क्योंकि ये लव रीडिंग है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये चेक करने की कोशिश करूँगी कि क्या आपके पर्सन आपके वेलफेयर के बारे में, इस रिलेशनशिप के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूनोलॉजी से लेंगे कुछ कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी राइट साइड में और आपकी एनर्जी लेफ्ट साइड में, मतलब आपके पर्सन की एक ही बात है। पहला कार्ड है मेरे व्यूवर्स की तरफ, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सेकंड, वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। थर्ड, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। फोर्थ, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। फिफ्थ, Your dreams need a practical plan, and bottom of the deck is show the world the real you. Full moon in Aquarius, Taurus, Libra, Pisces, Virgo. ये energies आई हैं मेरे viewers के side में। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपके life में ये new moon एक नई शुरुआत लेकर आए, साथ ही साथ हो सकता है आपको इस new moon के दौरान ये चीज़ें feel हों कि आपके relationship में equal give and take नहीं है, या आपको ऐसा फील हो कि मुझे बहुत ज़्यादा मेडिटेट करने की ज़रूरत है या कोई रिचुअल फॉलो करने की ज़रूरत है, या आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत पॉजिटिव साइन मिले, आपको ऐसा लगे कि सब कुछ बैलेंस है, कोई दिक्कत है ही नहीं। और कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि मेरा जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी प्लान्स है, वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, अभी मुझे उन चीज़ों पर और वर्क करने की ज़रूरत है, अभी भी कोई कमी रह गई है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये न्यू मून ये भी सिखाएगा कि अपनी एनर्जी में आओ, अपने सेल्फ में आओ और आप दुनिया को बताओ कि आपके अंदर कितनी पावर है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या क्रिएटिव करने की क्षमता है। ये चीज़ें भी आपको ये न्यू मून सिखाएगा। तो कई लोगों की काफ़ी दबी एनर्जीज जो हैं, जो उनके टैलेंट हैं, वो बाहर आ सकते हैं, उसके थ्रू वो अर्न भी कर सकते हैं, हो सकता है कि वो कुछ क्रिएटिव करें। आपके पर्सन की तरफ पहला जो मैसेज है वो है, कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। सेकंड मैसेज है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। थर्ड मैसेज है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। फोर्थ मैसेज है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। एंड फिफ्थ मैसेज है, लुक एट द बिगर पिक्चर। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो ये जो है ये न्यू मून की आपके पर्सन की परफेक्ट एनर्जी है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। मैंने आपसे देखिए रीडिंग के शुरुआत में ही बोल दिया था कि ये जो न्यू मून है ये आपके पर्सन को फियरलेस बनाएगा, एंड यहाँ पर जो एनर्जी है वो है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आपके पर्सन एक्शन लेने की सोचेंगे, अपने ड्रीम्स पर, अपने रिलेशनशिप पर बिलीव बढ़ेगा, साथ ही साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी तो कंक्लूजन्स निकलेंगे और बहुत करीब होंगे अपने गोल्स को अचीव करने के। ये भी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं।
एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आपके पर्सन की तरफ है, एरीज़ बहुत स्ट्रांग है एंड वी हैव सेजिटेरियस, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं ये सबके लिए हैं, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सो ये न्यू मून की एनर्जी है दोनों की तरफ। आपके पर्सन को देखिए यहाँ पर बिलीव होगा उनके ड्रीम्स के ऊपर और ये बड़ा सोचेंगे, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे फियरलेस होकर। एक्शन की एनर्जी है तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें बदलेंगी, एक्शन ओरिएंटेड होंगे। और यहाँ पर आपके जो भी गोल हैं, आप जो भी चाहते हैं, अगर आप इनसे लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप चाहते हैं या आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं बट सेपरेशन में हैं, आप इन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच से थर्ड पार्टी दूर हो जाए, या जो भी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें इनका गोल हैं और ये उसको अचीव करेंगे आपकी तरफ आने के लिए। तो बिलीव रखें, बिलीव इन द इम्पॉसिबल की एनर्जी है, तो बिलीव रखें अपने पर्सन पर। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, हर हर महादेव, जय हो महाकाल, प्लीज़ गाइड करें क्या एनर्जीज चल रही है कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज के दिन में। फाइव कार्ड्स विल टेक। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस, सेकेंड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थर्ड है न्यू बिगिनिंग द फूल, फोर्थ वी हैव डेथ। देखिए फूल एंड डेथ की बड़ी अच्छी दोस्ती है, जब भी आते हैं साथ में आते हैं, क्योंकि जब कुछ ख़त्म होगा तो शुरुआत होगी और अगर शुरुआत होगी तो कुछ चीज़ें ख़त्म भी होंगी। वन मोर कार्ड। दो कार्ड आना चाहते हैं आज, जस्टिस विद द मून। ये गजब की एनर्जी आ गई आज तो। देखिए ये न्यू मून की एनर्जी आ गई, मून विद शनि, न्यू मून इन अक्वेरियस बिकॉज शनि इज इन अक्वेरियस, तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं और ये दोनों साथ में आए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना अक्वेरियस में न्यू मून का, ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लाइफ में जस्टिस दिलाएगा, बहुत सारे कर्मास ट्रिगर होंगी। सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, या आपकी मदर बहुत अग्रेसिव हो रही हैं, या आपके घर में लोग बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, या सडनली आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, या आपको सडनली ऐसा लगेगा कि आपको बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है या रेस्टलेसनेस फील हो रही है, गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है पकड़ के किसी को पीट दें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि आपको इरिटेटिंग एनर्जी फील हो सकती है। तो अगर ऐसी एनर्जी फील हो रही है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये शनि का भी इफ़ेक्ट है, प्लस ट्रांजिट का इफ़ेक्ट सबके ऊपर होता है, प्लस न्यू मून का भी इफ़ेक्ट है। सडनली ये चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर मेजर अरकाना से कलेक्टिव जो एनर्जी है वो है हर्मिट। जितना शांत रहेंगे, जब भी गुस्सा आए, कुछ भी आए, बहुत सारे थॉट्स क्रिएट हों, एक के बाद एक थॉट्स क्रिएट हों, तो अपने आप को अलग कर लें, सेपरेट कर लें, शांत हो जाएं बिल्कुल। जब आप शांत हो जाएंगे, अपनी चीज़ों को समझेंगे अच्छे से और ठंडे दिमाग से सोचकर फिर आप एक्शन लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर जो साइन है मेजर अरकाना में, वी हैव एरीज, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो, ये साइन बहुत स्ट्रांग है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून मेरे लिए सभी साइंस को कैरी करता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आई है ऐसी अनरोमांटिक सी एनर्जी। बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है आज की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि बस कर्मा कर्मा सब क्लिंजिंग चल रही है, झाड़ू पोछा चल रहा है, लोगों की लाइफ में क्लिंजिंग की एनर्जी है। द एम्प्रेस क्यों आए हैं, पहला एनर्जी द एम्प्रेस कौन है भाई, बर्डन। एम्प्रेस के लिए देखिए यहाँ पर है आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत समय से हैं, कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस हैं जो कि बहुत समय से हैं, जिनकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ नई शुरुआत चाह के भी नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, सडनली ऐसी चीज़ें होंगी जिसे आप मिरेकल भी कह सकते हैं, जिससे या तो वो सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और या तो वो बिल्कुल आपके होते ना कन्विंस हो जाना,
वो आपके फेवर में कन्विंस हो जाएगी, बिकॉज लव लाइफ में सक्सेस नजर आ रहा है, लव लाइफ में सक्सेस की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन और आपके बीच में कोई भी बर्डन था, टॉक्सिक सिचुएशंस थी, तो वो दूर होते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोगों का यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, लक आपका साथ देगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताना चाहता है? आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म होने वाला है, जिस चीज़ का आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, और वो चीज़ क्या है? जस्टिस, न्याय, वो आपको मिलने वाला है। जय हो शनिदेव। द फूल क्यों आया है? क्या नई शुरुआत होने वाली है, या कुछ स्टैंड लेने वाले हैं आपके पर्सन केयर फ्री होकर किसी सिचुएशन में? यस, क्या बात है, जय हुमा सरस्वती। यहाँ पे मैंने बोला क्या स्टैंड लेने वाले हैं किसी सिचुएशन में, एंड वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड। आपके पर्सन स्टैंड लेने वाले हैं, डेफिनेटली ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, नज़रें आपके ऊपर गड़ी हुई हैं, तो ये डेफिनेटली स्टैंड लेने की एनर्जी है। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसे ख़त्म कर देंगे आपके पर्सन, उन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। डेथ की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? मैनिपुलेशन, ईगो ख़त्म होगा, साथ ही साथ होपफुल रहिए। आपके पर्सन के अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इनको बहुत बदल देगा, मतलब इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पे, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉकेजेस थे यहाँ पर एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके पर्सन के अंदर सडनली एक ऐसा चेंज दिखेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे। अगर आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपके पास आ जाएँ, यूनाइट हो जाएँ, आपको अपनी दिल की बातें एक्सप्रेस कर दें, अपने दिल में जितने भी राज छुपा रखे हैं वो भी बता दें, तो यहाँ पर वही चीज़ें आपके साथ होंगी। तो ये जो डेथ है ये बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में लेकर आ रहा है। मून क्या बताना चाहते हैं? देखिए, डेथ के बाद मून आया, और मून को डेथ ने क्लैरिफाई कर दिया विद द एम्प्रेस। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इमोशनल बॉन्डिंग थर्ड पार्टी से ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे जो भी कार्मिक्स हैं वो एंड होने वाले हैं गाइस। जस्टिस क्यों आया है? देखिए, यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज आया था, और यहाँ पर भी आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको मैसेजेस आएंगे, आपसे बातचीत होगी, कन्फ्यूजन दूर होगा, क्लैरिटी मिलेगी, हैप्पीनेस आएगी आप दोनों की लव लाइफ में। ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं गाइस। मैं आज हर्मिट को भी क्लैरिफाई करूँगी कि क्या आपके पर्सन मेडिटेशन, योगा या ध्यान कर सकते हैं। ये क्लैरिटी लेकर आएंगे, बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर क्लियर विजन हो रहा है। इनके लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी इल्यूजन था, वो ख़त्म हो रहा है। और यहाँ सन की एनर्जी आ गई, मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में ब्राइटनेस नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन रही हो पास्ट में, वो चीज़ें अब क्लियर होंगी। आप दोनों के बीच में जो एनर्जी का फ्लो है वो बहुत पॉजिटिव होगा। जय हो सूर्यदेव। तो ये एनर्जी शिफ्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस, होप आप सभी से रेजोनेट करें। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। विल टेक 5 कार्ड्स। थ्री नंबर इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग के दौरान, 3 दिन के अंदर, 3 घंटे के अंदर, 3 मिनट के अंदर काफ़ी लोगों को कोई न्यूज़ मिलने वाली है। स्पेशली अगर आप डिस्टेंस में हैं, बहुत समय से बातचीत नहीं हुई है, तो बातचीत भी हो सकती है, क्योंकि मैसेज का कार्ड आ रहा है रीडिंग में, तो डेफिनेटली मैसेजेस रिसीव होंगे। वी हैव सेकेंड कार्ड इज सैक्रल चक्रा, एंड थर्ड वी हैव 5 of Wands, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, कर्मा साइकिल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सॉलिट्यूड क्लैरिफाई करेंगे हम। न्यू मून की एनर्जी थोड़ी हैवी है आपके पर्सन के लिए, लेकिन जो होगा बेस्ट होगा, उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। 3 of Wands क्यों आया है एंजल्स नेक्स्ट एक्शन में?
मैंने कहा ना 3 दिन के अंदर या 3 घंटे के अंदर आपसे बातचीत हो सकती है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी डिस्टेंस है, वो ख़त्म होगा। सैक्रल चक्र आया है, मींस आपके पर्सन पॉजिटिवली आपको याद कर सकते हैं, पैशनेटली आपसे मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। क्यों आया है सैक्रल चक्र? सैक्रल चक्र के लिए यहाँ पर आया है, बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है वो बैलेंस हो जाए, आपके और जो भी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो बैलेंस हो, चीज़ें आपके फेवर में आएँ। और यहाँ पर मदर गाया की एनर्जी है, आपको फील हो रही होगी, दिस एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल एंड यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है विद होप कार्ड। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आने वाले हैं और जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? पेशेंस एंड प्लानिंग, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, सोसाइटी इशू हो सकते हैं, रिकॉग्निशन का इशू हो सकता है, कोई मुझे रिकॉग्नाइज ना कर ले आपके साथ, हिडन रखना है रिलेशनशिप को, या जो भी प्रॉब्लम्स थी आप दोनों के बीच में, ये प्लान कर रहे हैं उन ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए आया है एम्परर विद सक्सेस एंड मैसेज कार्ड। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में आपके पर्सन लौट कर वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक सॉलिड डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आपको इस रिलेशनशिप को क्लैरिटी मिल सके। मैसेज बहुत सारे लोगों को आएगा आज, मुझे देखिए टैरो में भी मैसेज का कार्ड आया और यहाँ पर भी आ गया, मीन्स 100% मैसेजेस रिसीव होंगे 3 घंटे 3 दिन के अंदर। सॉलिट्यूड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? पेशेंस, अगर आपके पर्सन थोड़ा समय ले रहे हैं, इस न्यू मून की एनर्जी हैवी है उनके लिए, तो गिव हिम और गिव हर सम टाइम, स्पेस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि रिप्लाई नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, जस्ट रिलीज़, उन्हें आना होगा वो खुद आ जाएंगे। पेशेंस रखिए, सब्र रखिए और ख़ुद पर फोकस कीजिए। एंजल्स की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है, पहला मैसेज है अबंडेंस एंड दूसरा मैसेज है यस। आपके लाइफ में ये न्यू मून कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपसे करवाएगा, हो सकता है आप कोई नया बिजनेस शुरू करें, कोई नया कुछ क्रिएटिव करें, अपनी हॉबी पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, अगर आपकी हॉबी पेंटिंग है तो पेंटिंग से रिलेटेड, या फोटोग्राफी है तो फोटोग्राफी से रिलेटेड, या आपकी ट्रैवलिंग हॉबी है तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई ना कोई क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले समय में, बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, चीज़ें धीरे धीरे हील हो रही हैं, रिकवरी की एनर्जी है, लुक फॉर अ साइन, आपके लाइफ में सक्सेस आपको रिसीव होने वाली है इन द नियर फ्यूचर, दिस इज़ द एंजल मैसेज, ट्रस्ट डिवाइन पर, ट्रस्ट रखिए, परफेक्ट टाइम आते ही आपका यूनियन हो जाएगा। सो ये मैसेजेस आज निकल कर आए हैं गाइज, होप आपको ये न्यू मून बहुत पावरफुल बनाए, बहुत सक्सेसफुल बनाए, आप वो अचीव करें जो आप चाहते हैं। तो इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ रीडिंग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।